17 GB की फाइल पूरी आपकी एक मिनट में कॉपी हो जा रही है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं एडिटेक जोन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक अल्टीमा का PCI कार्ड था जो USB 2.0 को कन्वर्ट करता है 3.0 में। ये उनके लिए था जिनके PCs बहुत पुराने हैं या फिर जिनके PCs में USB 2.0 है, सिर्फ 3.0 का सपोर्ट ही नहीं है। 3.0 को इनेबल करने के लिए ये कार्ड आपको मदरबोर्ड में लगाना होता था। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया कि कैसे इंस्टॉल करना है, और वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल, मतलब कि स्पीड में क्या डिफरेंस है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि 10 गुना डिफरेंस आया पूरा स्पीड में, तो इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ कि लाइक नॉर्मल USB 2.0 से मैंने टेस्ट तो कर लिया है, बट आपके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। नॉर्मल USB 2.0 से आती है 20 से 30 Mbps, लेकिन उसी को USB 3.0 में आप लगाओगे तो 10 गुना बढ़ के 200-300 Mbps तक वो जाएगी। अभी लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वीडियो डाउनलोड करके रखी है, आप देख सकते हैं, ताकि मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज मिले कॉपी करने के लिए। ये 16.9 GB कुछ करके है। अभी मैं फर्स्ट टाइम पे क्या लगाऊंगा, ये जो मेरी हार्ड डिस्क है 1 TB की है, 1 GBPS ट्रांसफर रेट है इसका मैक्सिमम। अगर सुपर कंप्यूटर होंगे तो उसमें तो मैक्सिमम ये देगा ही देगा। तो इसकी एफिशिएंसी मेरे को यूज़ करने के लिए मेरे को USB 3.0 चाहिए ही चाहिए था। देखो यहाँ पर भी ये ब्लू पोर्ट, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है ब्लू USB, मतलब USB 3.0 में ही लगाना होता है। अब मेरे कैबिनेट में स्लॉट तो था, बट मदरबोर्ड में कोई वो नहीं था कि मैं इसको इनेबल कर सकूं। इसकी केबल भी यहाँ लटक रही होगी क्योंकि मदरबोर्ड में USB 3.0 का सपोर्ट ही नहीं था। ठीक है, अभी नॉर्मल मैं USB 2.0 में इसको चला के कॉपी करके आपको स्पीड दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा USB 3.0 जो ये जो मैंने कार्ड लगाया हुआ है अल्टीमा का USB 3.0 जिसमें 4 पोर्ट थे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। इससे मैंने एक्सटेंशन लगा रखी है, इसमें आई बॉल का ये USB हब है एक्सटेंशन, तो इसमें मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपनी ये हार्ड डिस्क को, तो डिफरेंस दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड तक डिफरेंस आता है कॉपी का। तो अभी क्या करते हैं, इस SSD को लगाते हैं अपने 2.0 पोर्ट में। पूरा कॉपी नहीं करूंगा, मतलब लाइक बस स्पीड दिखाने के लिए, क्योंकि पूरा कॉपी करूंगा तो आपको रिमेनिंग टाइम दिख जाएगा कि मतलब लाइक कितना रिमेनिंग टाइम बचा है। ठीक है, ये मैंने लगा दी, यहाँ पे साउंड आ गई है। अभी हम जाएंगे अपनी एक्सट्रीम SSD में। ठीक है, ये वीडियो जो थी 16.9 GB की, लाइक 17 GB मान लो इसको, इसको एक्सट्रीम SSD में हम कॉपी करेंगे। तो अभी दिखा देता हूँ कि स्पीड कितनी आएगी। ठीक है, ये हमने पेस्ट किया, तो अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो लाइक 28.2 MBPS। एक बार मैक्स पता चल जाएगी लाइक कितनी आ रही है। ये मैक्सिमम मेरे सामने अभी तक 28.1 MBPS गई है। ठीक है, और दिखा रहा है रिमेनिंग टाइम 10 मिनट। ठीक है, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि लाइक ये 27, 28, 29, 30 से ऊपर जा ही नहीं रहा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको निकाल देते हैं SSD को। SSD को यहाँ पर अब इजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको USB 3.0 में लगाते हैं। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, और ये USB का जो हमारा एक्सटेंशन लगाया हुआ है, हालांकि एक्सटेंशन लगाने से 19-20 का फर्क आ सकता है, बट जो मैक्सिमम स्पीड है आप वो यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैंने USB हब में USB 3.0 में वो लगा दिया पोर्ट। अब हम सेम फाइल को उठाएंगे और कॉपी करके देखेंगे कि स्पीड कितनी आ रही है। देखो भाई, 180 थे तो इसकी स्टार्टिंग है, 180 Mbps, 182 Mbps इतना, लेकिन और 15 जो भी हो चुका है, अराउंड 1 मिनट रिमेनिंग। जो 10 मिनट रिमेनिंग आपका बता रहा था वो अराउंड 1 मिनट 30 सेकंड रिमेनिंग है। मैं ये रिकॉर्ड करते करते ये फुल पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक बार हम ना इसको विदाउट एक्सटेंशन भी लगा के चेक करेंगे। ये अभी एक्सटेंशन हब में लगा रखा है ना, इसको हम डायरेक्ट भी लगा के चेक करेंगे सीधा उसमें पीछे के पोर्ट में, तो देखते हैं स्पीड में क्या फर्क है। तो अभी ये मैक्सिमम 183 Mbps आ रहा है। ठीक है, अराउंड 60 सेकंड रिमेनिंग, मतलब लाइक मैक्सिमम अगर हम माने तो 2 मिनट या फिर 1 मिनट 30 सेकंड में ये हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड है, देखो गिर भी नहीं रही, बढ़ भी नहीं रहा, 183-185 तक ये मैक्स जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट है अभी देखते देखते कॉपी हो जाएगा। तो अभी इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, अभी इस USB जो हमारे एक्सटेंशन SSD है, एक्सटर्नल SSD जो है, उसको इजेक्ट करके मेन पोर्ट में लगाते हैं पीछे जहाँ पे स्पेस है। वो उल्टा लगेगा आई थिंक, हाँ ये, और ये हमने लगा दिया एकदम मेन पोर्ट में लगा दिया है। तो मैंने बोला था कि 19-20 का फर्क आएगा एक्सटेंशन लगाने से, अभी देख लेते हैं असलियत में कितना फर्क आता है। ठीक है, हमने पेस्ट कर दिया और आपके सामने ये देखो भाई, वो 180 पे स्टार्ट हो रही थी तो ये 210 Mbps पे स्टार्ट हो रही है। लगभग 40 Mbps का डायरेक्ट फर्क आया है आपके सामने। वो 1 मिनट 30 सेकंड बोल रही थी, 1 मिनट 15 सेकंड पे स्टार्ट हुआ है।
तो लाइक एक मिनट के लगभग लगभग अराउंड एक मिनट में ये देखो 224 तक ये गया है। तो मेन जो बात है, टॉपिक है, ये एक्सटेंशन की है। इस एक्सटेंशन की वजह से इतनी स्पीड में ले पा रहा हूँ। और ये एक्सटेंशन जो है सिंपल, आपका जो है ग्राफिक कार्ड जहाँ लगता है वहाँ भी लग सकता है, और दूसरा नीचे एक और स्लॉट दे रखा है PCI का, वहाँ भी लग सकता है। बस इसको कनेक्ट करने के लिए यही चाहिए होता है। दूसरा SMPS जो आपकी पावर सप्लाई है, उधर से पावर केबल जो होती है, सारे SMPS में आपको पावर केबल मिलेगी, ये वाली इसमें लग जाएगी। पर यहाँ पर बस सिंपल एक कैबिनेट में आप स्क्रू से इसको फिट कर सकते हैं। अभी बातें कर रहा था, यहाँ पे स्पीड जा चुकी है 212 Mbps, अराउंड 30 सेकंड रिमेनिंग। तो आपके सामने ये पूरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। भाई साहब, जहाँ मुझे लग रहा था 10 मिनट 20 मिनट, वो 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट ही मान लो, आपके सामने की बात है पूरी कॉपी होगी। 17 GB की फाइल पूरी आपकी एक मिनट में कॉपी हो जा रही है। तो ये एडवांटेज मिला अल्टीमा के PCI एक्सप्रेस कार्ड से। इज नॉट स्पॉन्सर्ड, बट जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइनल कॉपी हो चुकी है वीडियो, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो का मोटिव दिखाने का। देखो आप, 16.9 GB की फाइल है टोटल। इतनी फाइल को कॉपी करने के लिए हमें लगा पूरा 1 मिनट 15 सेकंड, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो इस डिवाइस को एक थम्स अप है। आप लोग परचेज कर सकते हैं जिसके PC में USB 3.0 स्लॉट नहीं है, ठीक है ना। और मैं पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ Corsair की VS450, ठीक है। कैबिनेट इसका है, इसकी भी डीप वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।